नमस्कार, बीएनसी न्यूज आपका स्वागत है। बात करें मौसम को लेकर, मानसून 3 जुलाई तक दिल्ली और पंजाब को कवर करेगा। वहीं बात करें मध्य प्रदेश समेत 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश और हरियाणा में हीटवेव की चेतावनी दी गई। भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार माना जाए तो महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल में मानसून पहुंच चुका है। अगले 3 से 4 दिनों में मानसून इन सभी राज्यों को पूरी तरह से कवर कर लेगा। वहीं बात करें 27 जून तक मानसून दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में पूर्ण रूप से प्रवेश कर लेगा। वहीं 3 जुलाई तक इन राज्यों को पूरी तरह से कवर करके आगे बढ़ेगा। इसके अलावा मौसम विभाग ने वेस्ट मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देश के कुछ राज्यों में तेज गर्मी का दौर भी चलेगा। दक्षिण पश्चिम मानसून नेपाल में 19 मई को पहुंच गया था। मानसून वही केरल में इस बार 2 दिन पहले यानी 30 मई को ही मानसून पहुंच गया था और कई राज्यों को कवर भी कर लिया गया। 12 से 18 जून तक यानी 6 दिन मानसून रुका रहा। इसके चलते भारत में हीट वेव चल रही थी। मानसून 12 जून तक केरल, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को पूरी तरह कवर कर चुका था। साथ ही दक्षिण महाराष्ट्र के ज्यादा हिस्सों में, दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों और दक्षिणी ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में सभी पश्चिमी राज्यों में पहुंच गया था। 18 जून तक मानसून गुजरात के नवसारी, महाराष्ट्र के जलगांव, अमरावती, चंद्रपुर, छत्तीसगढ़ के बीजापुर, सुकमा, ओडिशा की मलकानगिरी और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम तक पहुंचा था। मौसम विभाग का अनुमान है कि जून में मानसून सामान्य से कम यानी 92% की औसत LPC कम रहेगा।